नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो चल रही है गुरु के राशि परिवर्तन के ऊपर। आप सभी को ज्ञात है कि गुरु देवता जो है वो 5 नवंबर 2019 को वृश्चिक राशि से राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु जो राशि है वो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, गुरु की स्व राशि है और वो कन्या लग्न की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में आती है। आज का जो विषय है वो कन्या लग्न की जन्म कुंडली के ऊपर है और इससे पहले हमने मेष लग्न से लेके सिंह लग्न तक के सभी वीडियो बनाए हैं, आप उन सब का लाभ ले सकते हो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं कन्या लग्न के ऊपर। कन्या लग्न में गुरु देवता चतुर्थ भाव में आते हैं। यहाँ पे गुरु को एक दोष भी लगता है, एक गुरु को यहाँ पे राजयोग भी लगता है। सबसे पहले हम दोष की बात करें तो यानी कि गुरु की जो दोनों राशियां हैं मीन राशि और धनु राशि जो केंद्र में आती है तो यहाँ पे गुरु को केंद्र अधिपति दोष भी लगता है और यहाँ पे गुरु जो है वो धनु राशि में केंद्र में आ रहे हैं तो गुरु को यहाँ पे हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी लगता है। यानी कि गुरु राजयोग में भी आते हैं और दोष में भी आते हैं, लेकिन गुरु जो है वो इस जन्म कुंडली के लिए एक योग कारक रहे तो यहाँ पे इसको दोष का आंकलन कम लगेगा और राजयोग का आंकलन ज्यादा लगेगा। तो हम ये माने कि गुरु यहाँ पे राजयोग ही देंगे। अब गुरु क्या क्या परिणाम दे सकते हैं, देखिए चतुर्थ भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव जो है वो हमारे जीवन में हमारी माता का है, हमारी शिक्षा का है, हमारी जायदाद जमीन का है, तो इन सब विषयों के इर्द गिर्द ही गुरु यहाँ पे परिणाम देंगे। अब हम गुरु के परिणामों को कैसे आंकलन करेंगे, अगर चतुर्थ भाव में आ रहा है, धनु राशि में आ रहा है तो आपका अकेले का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, तो सभी लोगों के लिए एक जैसा परिणाम हो ये संभव नहीं है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में इसको फलित करें तो आपका गुरु अगर अच्छी जगह विराजमान है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये गोचर का जो गुरु है वो डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली के गुरु के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु 6, 8 और 12 भावों में विराजमान है तो आपके लिए गोचर का गुरु शुभ परिणाम दे ये संभव ही नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छा बैठा है, जैसे कि लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में ही बैठा हो, पंचम में बैठा हो, नवम भाव में, दशम भाव में, लाभ भाव में, सेकंड हाउस में बैठा हो तो आप ये आकलन कर सकते हैं कि मेरा गुरु अच्छा है, अब वो हमारे लिए अच्छा परिणाम देगा, केंद्र का मालिक है तो हमें अच्छे परिणाम देगा। तो आप इस चीजों को और पूरे कैलकुलेशन को अप्लाई करें, किस तरह से अप्लाई करें, ये जो सारा चीज है ये आकलन समझने के लिए मेरा एक स्पेशल वीडियो है जो मैंने YouTube चैनल पे बनाया है, उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएगा और आपके सामने स्क्रीन पे जो फोटो आ रही है इस वीडियो को आप देखिए, जिससे कि आपको गोचर जो है वो कैसे फलित करते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो गुरु के गोचर के शुभ परिणामों को अगर हम देखें तो अच्छा पारिवारिक सुख देगा, घर में खुशी का माहौल बनेगा, माता से प्रेम बढ़ेगा, घर में नया वाहन आएगा, नए घर खरीदने का मौका बनेगा, घर में नई तरह के फर्नीचर आएंगे और घर में सुख सुविधाओं की जो भी चीजें हैं, यानी कि ये एक सुख स्थान है तो सुख भोगने वाली जो भी चीजें हैं उन सब चीजों का योग बनाएगा चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर। और अगर हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी शिक्षा का कारोबार करते हैं या शिक्षक हैं, तो सप्तम भाव का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक इसी भाव में गोचर करेगा तो ये हमारे लिए एक राज्य होगा। हम अगर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तो वहां पे हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे और हमारे कोचिंग सेंटर का नाम अच्छा, क्योंकि सातवां घर व्यवसाय का है तो इसमें हमें लाभ मिलेगा और हमारे नौकरी से संबंधित चीजों में भी हमें बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर हम स्वयं स्टूडेंट हैं तो हमें यहाँ पे हमारी पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो पढ़ाई का है, प्राइमरी एजुकेशन का है, साथ में गुरु जो है वो पढ़ाई के लिए योग कारक रहे और वो इसी घर में गोचर करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम देंगे ही देंगे। साथ में वो सातवें घर का यानी कि पार्टनर का है तो हमें एजुकेशन के सेक्टर में हमें अच्छे रूम पार्टनर मिलेंगे, अच्छे मित्र मिलेंगे जो हमें शिक्षा में सहयोग करेंगे और हमें उनका लाभ मिलेगा। और इसके पश्चात जो भी जातक कन्या लग्न के हैं उन सभी लोगों का धर्मशास्त्र में, तत्व ज्ञान में, बैंकिंग में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि बनेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव ज्ञान का है। और इसके पश्चात चतुर्थ भाव जो है वो प्रॉपर्टी का है, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने का यानी घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन का या कंस्ट्रक्शन का सामान बेचने का, तो उन सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक रिजल्ट बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बुरे परिणामों में देखें तो ये जो पंचम भाव है इसका 12वां भाव है चतुर्थ भाव, तो पंचम भाव प्रेम को दिखाता है तो प्रेम प्रसंगों में हमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। और ये पंचम भाव संतान प्राप्ति का है, चतुर्थ भाव का गुरु जो है वो पंचम भाव के परिणामों को काटेगा, यानी कि अगर कोई जातक या जातिका संतान से संबंधित संभावनाओं में है तो वहां पे उनको पहली संतान से संबंधित पीड़ा होने की आशंका नजर आती है, तो इसके लिए वो उचित उपाय करें।
और इसके पश्चात चतुर्थ भाव जो है वो हमारी जमीन का है, खेती का भी है, तो खेती से जुड़े हमें लाभ मिलेंगे। साथ में हमें गाय भैंस और ये जो पालतू जानवर है उनसे संबंधित भी बहुत अच्छे लाभ होंगे। और इसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं तो वहां भी हमें बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि ये जो चतुर्थ भाव है यहाँ पे गुरु जो है वो स्वराशि में आ रहा है, यानी कि एक राजयोग बना रहा है हंस नाम का, तो ये राजयोग बड़ा ही अच्छा होता है, इसमें हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो गुरु का गोचर यहाँ पे कन्या लग्न के जातकों के लिए बड़े अच्छे परिणाम लेके आएगा। कुछ नेगेटिव परिणाम भी है, वो डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, तो आप अपनी जन्म कुंडली में इसका फलादेश करें, आपको पता चलेगा क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा। साथ में अच्छे और बुरे परिणामों का आंकलन हमने बताया है, उनके आप अपने जीवन में अपने गोचर में उसको अप्लाई करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।